वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक कछुआ है और एक खरगोश है। आप लोग पहले भी बहुत बार यह कहानी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि आखिर ये कहानी क्या कहना चाहती है। तो आइए मैं आप लोगों को ये कहानी बतलाऊँगा और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें, इस कहानी के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं ये जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुलारचंद दास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आपकी मदद और आपके प्यार से हमारा ये चैनल धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं कई सारे चैप्टर की कहानी आप लोगों को बतलाऊँगा। तो आइए इस चैप्टर को अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्लास 3 की इंग्लिश बुक है, चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है द हेयर एंड द टॉर्टोइज, खरगोश और कछुआ। इसमें एक खरगोश है और एक कछुआ है। वंस देयर वाज ए हेयर, एक बार एक खरगोश था। ही वाज वेरी स्पीडी, वो बहुत तेज दौड़ता था। ही ब्रेग्ड अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन, वो बहुत तेज दौड़ता है इसके बारे में वह डिंगे हाँकता रहता था, अपने दोस्तों के पास अपनी बड़ाई करता था कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। टाइड ऑफ हियरिंग हिम बस्ट द टॉर्टोइज चैलेंज्ड हिम टू ए रेस, खरगोश की डिंगे सुन सुन के कछुआ परेशान हो चुका था, थक चुका था, उसका कान पक गए थे सुनते सुनते कि बहुत तेज दौड़ता हूँ, बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो कछुए ने एक बार उसको चैलेंज कर दिया कि तुम मुझसे रेस लड़ाओ, अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तभी बोलना कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो। द हेयर ग्लेडली एक्सेप्टेड द चैलेंज, और खरगोश खुशी खुशी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वह तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं रेस लड़ूंगा और मैं तुम्हें हराऊंगा, ऐसा खरगोश सोच रहा था। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर्ड, पूरे जंगल का जानवर एक जगह जमा हो गए। टू वॉच द रेस बिटवीन द हेयर एंड द टॉर्टोइज, खरगोश और कछुए के रेस को देखने के लिए वे जंगल में एक जगह एकत्रित हो गए। इन कोर्स ऑफ रेस द हेयर रन डाउन द रोड फॉर ए वाइल एंड देन पॉज टू रेस्ट, दौड़ के दौरान, रेस के दौरान खरगोश दौड़ते दौड़ते रोड से नीचे उतर जाता है और दौड़ना बंद कर देता है, वह रेस्ट करने के लिए नीचे उतर जाता है। ही लुक्ड बैक एट द टॉर्टोइज एंड क्राइड आउट, वह पीछे देखता है और जोर से चिल्लाकर कछुए को बोलता है, हाउ डू यू होप टू विन द रेस, तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम रेस जीत सकते हो। यू वॉक वेरी स्लोली, तुम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। द हेयर फेल अस्लीप थिंकिंग देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स, कछुआ यह सोचकर सो जाता है कि उसके पास अभी बहुत टाइम है आराम करने के लिए, तो आराम करते करते वह सो जाता है। फिर आगे देखते हैं। On the other hand, the tortoise walked, never stopping until he came to the destination. और दूसरी तरफ कछुआ लगातार चलता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, चलता जा रहा था, बिल्कुल भी रुका नहीं जब तक कि वह मंजिल पर पहुंच नहीं गया। जब तक वह रेस के लिए जो चिन्ह दिया रहता है, जब तक वहां तक नहीं पहुंच गया, वह चलता रहा। The animals who were watching cheered so loudly for tortoise, जो जानवर देख रहे थे उनको दौड़ते हुए वे जोर से चिल्लाए कछुए के लिए, क्योंकि कछुआ पहुंच चुका था। दैट दे वॉक अप द हेयर, यह सुनकर खरगोश जाग गया। द हेयर स्ट्रेस्ड आउट एंड बिगेन टू रन अगेन, कछुआ उठा और अंगड़ाई लिया, जम्हाई ली और फिर दौड़ना शुरू किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुका था। टॉर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच द डेस्टिनेशन, कछुआ पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका था, वहां जहां विक्ट्री का जो चिन्ह दिया हुआ था वहां पे कछुआ पहले ही पहुंच गया। द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस प्रकार से धीमी और लगातार जो चलते रहता है, दौड़ते रहता है, वही रेस जीतता है, वही प्रतियोगिता जीतता है। बच्चों, तो आप लोगों ने देखा, इतना धीरे चलने वाला कछुआ इतना तेज दौड़ने वाला खरगोश से जीत जाता है। ये कहानी इतनी बार कही जा चुकी है, इतनी बार सुनी जा चुकी है कि लगभग सारे लोगों को पता है
लेकिन ज़्यादातर लोग इसको समझते नहीं हैं, जानते सभी हैं लेकिन ये समझ में आए इतना आसान नहीं है। बचपन में मैं भी सोचता था कि कोई जंगल होगा, वहाँ पे इस तरह का रेस हुआ होगा, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। न कछुआ खरगोश की कभी दौड़ हुआ है और न कभी होगा। इस रेस को फिर भी एक कहानी बनाया गया, इसके पीछे हम लोगों को शिक्षा देने का उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम लगातार धीरे धीरे करता रहता है तो वो अपने काम को पूरा कर पाता है, लेकिन अगर कोई सोचता है कि अरे ये तो मैं आसानी से थोड़े ही समय में कर लूँगा, तो ऐसा व्यक्ति समय पे काम कर नहीं पाता है और उसे बाद में बहुत समस्याएं उठानी पड़ती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें जो हमारा जो भी काम है हमें थोड़ा थोड़ा करके रोजाना करते रहना चाहिए। कबीरदास भी कह के गए हैं ना, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। उनका भी यही मतलब था, जो काम कल करना है उसको आज कीजिए और आज करने वाला काम अभी से शुरू कीजिए। अगर बहुत सारा काम एक साथ हो जाएगा तो फिर उसे कर नहीं पाएंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वो कई महीनों तक पढ़ाई नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम आती है तो एक ही साथ कई सारे सब्जेक्ट खोल के बैठ जाते हैं, इसको पढ़ना है और कोई कुछ भी पढ़ नहीं पाता, वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है और उसका परीक्षा खराब चला जाता है। तो इस कहानी में बतलाने का यही अर्थ है कि आप धीरे धीरे काम कीजिए लेकिन लगातार कीजिए, बीच में आपको गैप नहीं लेना है। यहाँ पर चैप्टर 8 समाप्त हो जाती है और इसमें क्या दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, नी वर्ड्स, इसे आप लोग याद कर लेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट है, लाउडली है, बॉस्ट, ब्रैग, इस तरह के शब्द दिए हुए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। ये है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। 1 नंबर में क्वेश्चंस दिया हुआ है, 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर में स्पेलिंग सुधारने के लिए दिया गया है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये स्पेलिंग जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में, ये सारे स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करना है। और 4 नंबर में दिया हुआ है, ये कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में भरना है, ये कलेक्टिव नाउन पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड हेयर ब्रेक अबाउट, द हेयर ब्रेक अबाउट बिकॉज ही कुड रन वेरी फास्ट। व्हाट फॉर टॉर्टोइज चैलेंज द हेयर, द टॉर्टोइज चैलेंज द हेयर टू ए रेस। व्हाई डिड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर, द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर टू वॉच द रेस बिटवीन द हेयर एंड द टॉर्टोइज। व्हाई डिड द हेयर रन डाउन द रोड, द हेयर रन डाउन द रोड टू टेक रेस्ट। हाउ डिड द टॉर्टोइज विन द रेस, द टॉर्टोइज वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट स्टॉपिंग, बाय दिस वे ही विन द रेस। हाउ डिड द हेयर वेक अप, हियरिंग द नॉइज मेड बाय द एनिमल्स द हेयर वॉक अप। हु विन द रेस, द टॉर्टोइज विंस द रेस। 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसको यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन को देखकर इसको भर सकते हैं। और 3 नंबर में करेक्ट द स्पेलिंग, जो स्पेलिंग सुधारने के लिए दिया गया था यहाँ पे मैंने स्पेलिंग सुधार दिया है। और 4 नंबर में कलेक्टिव नाउन जो दिया हुआ था इसको मैंने भर दिया है, जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे ब्लैक लेटर से लिखे हुए वर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे चैप्टर 8 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी पढ़ाई में मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई अच्छी से कर सके। तो इसके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।